अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लोनाफिट 0.25 टेबलेट के बारे में फुल रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर से देखना। दोस्तों क्लोनाफिट 0.25 mg टेबलेट जिसको मैनकाइंड फार्मा बनाती है, जो कि बहुत बेहतर कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। दोस्तों इसका कंटेन है क्लोनाजीपाम 0.25 mg, इसका ये कंटेन है क्लोनाजीपाम 0.25 mg इसका कंसल्ट है। तो इसका पैक कुछ इस तरह के आता है दोस्तों। 10 टेबलेट का एक शिप होता है जिसका MRP है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 19.72 रुपये दोस्तों। ये इसका MRP है जो कि बहुत ही कम है, 2 रुपये पर टेबलेट लगभग पड़ता है दोस्तों। ये दोस्तों आप कहीं ईजिली मेडिकल पर नहीं खरीद सकते हो, ईजिली आप मेडिकल पर कहीं पर भी नहीं खरीद सकते हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक नॉर्कोटिक मेडिसिन है जो कि डॉक्टर डिग्री वाले डॉक्टर इसे दे सकते हैं। इसकी डिग्री अलग आती है नॉर्कोटिक मेडिसिन की, इसीलिए आप इसे एनी मेडिकल पे नहीं खरीद सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हम जान लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। इसका बेनिफिट क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका बेनिफिट है दोस्तों, अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता हो उसमें ये दिया जाता है दोस्तों, या फिर जिसको नींद नहीं आती उसमें भी ये दिया जाता है, या फिर दोस्तों जैसे किसी का सर दर्द बहुत तेज होता है उसमें भी दिया जाता है। अगर नींद नहीं पूरी होती है, सर दर्द होता है तो उसमें दिया जाता है दोस्तों। कोई दोस्तों अगर मतलब कोई बात हो जाती है वो उसे भूल नहीं पाता है, नींद नहीं आती है, उसमें भी दिया जाता है। जैसे खाने के बाद दोस्तों आपको 4 से 5 घंटा आराम से नींद आएगा दोस्तों, आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि आपके बगल में क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है दोस्तों, आपको कुछ नहीं पता रहेगा। तो दोस्तों थोड़ा सावधानी से इसे खाना रहता है, इसे मिर्गी दौरे में ज़्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसका डोज क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। डोज तो दोस्तों डॉक्टर की सलाह बगैर ना खाएं, क्योंकि ये दवा जो है डॉक्टर की सलाह बगैर मिलेगी ही नहीं दोस्तों। एक अडल्ट व्यक्ति को इसे एक गोली सुबह एक गोली शाम खाना रहता है। खाना खाने के बाद नॉर्मल पानी से दोस्तों इसे लेना रहता है, लेकिन दोस्तों डॉक्टर की सलाह बगैर नहीं दोस्तों। कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो कि आपको हो सकता है। तो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट जानने से पहले आप जान लीजिए दोस्तों कुछ सावधानियां हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। दोस्तों जिसको लीवर या किडनी संबंधित कोई दिक्कत है वो इसका सेवन ना करें दोस्तों। इसके साथ अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें दोस्तों तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी मेडिसिन को खाने के बाद। और दोस्तों ड्राइविंग ना करें, इसे खाने के बाद आपको नींद आएगी, आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो थोड़ा सोच समझ के इसका सेवन करें, आप डॉक्टर के अब डॉक्टर से बात करके उसके बाद इसका सेवन करें दोस्तों। तो दोस्तों हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसका साइड इफ़ेक्ट है हेडेक, नोजिया, डायरिया, वोमिटिंग। जैसे कि दोस्तों आपका सर दर्द हो सकता है, आपको बदन दर्द हो सकता है, आपके मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, पूरी मांसपेशियों में आपका पूरा बदन दर्द करेगा दोस्तों। और दोस्तों उल्टी हो सकती है, वोमिटिंग, उल्टी। और दोस्तों कब्ज़ बना सकता है, उकलाई ऐसे लग सकता है, पेशाब में दिक्कत आ सकती है, ये इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और दोस्तों आपके सोचने की शक्ति थोड़ा कम हो जाएगी, जो कि आपको सोचने की शक्ति है वो थोड़ा कम हो जाएगी दोस्तों। आप ज़्यादा सोच नहीं सकते हो, जो आपको याद था वो थोड़ा मतलब आप सो जाओगे इसे खाने के बाद, समझ लीजिए। तो आपको क्या पता रहेगा कि सोने के बाद मेरे साथ क्या हो रहा है, इसीलिए दोस्तों आप इसे थोड़ा सोच समझ के खाएं। तो दोस्तों ये था इसका बेनिफिट, डोज, प्राइस, मार्केट प्राइस, कंपोजिशन, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अगर कुछ वीडियो में छूटा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि मतलब जैसे आपको कुछ इसमें कम जानकारी मिलेगी तो उसमें मैं आपको पूरा बताऊँगा दोस्तों डिटेल में। अगर कुछ छूटा होगा तो आप वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना, किसी दवा के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी भी मेडिसिन के बारे में जानना है तो आप लिख दीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।